थोड़ी सी हम करते हैं प्योर मटकी क्रम्बलिंग, थोड़ी सी जिंचो की क्रम्बलिंग। मिस्टर फैसल लास्ट टाइम मुझे कहा था उन्होंने कि मेरे लिए जिंचो की क्रम्बलिंग करो लाइव में, लेकिन मैंने नहीं की थी, लेकिन अभी कर देते, मुझे अब याद आ गया। इतना अच्छा टेक्सचर है ना, मैं दस नहीं सकती आपको। बड़ा प्राइवेट जेट आ चुका है, परवाज चढ़ने के लिए तैयार है। मुल्तानी मट्टी की भी क्रम्बलिंग किसी ने रिक्वेस्ट की है भाई, चले भाई इनकी भी रिक्वेस्ट पूरी करते हैं। पहले मैंने ये इन्हें भी फ्री कर दो, ये क्रम्बल कर लो। ये ना हार्ड हो गया है, सोच जो क्यूब्स हैं ना, जो ज़्यादा ही छोटे क्यूब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, क्योंकि इनको बड़ा ही पानी लगा हुआ है। ये कौन सा पौधा है जो पानी लगे बढ़ जाए, बस ये है कि पानी लगे तो सख्त हो जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्म से आई थिंक सो पानी ड्राई किया है मम्मा ने। ये हमारी थोड़ी सी प्योर मट की क्रम्बलिंग जनाब। अरे यार, एक तो मैं मम्मा को इतनी दफ़ा बोला है कि मम्मा जी सार टेक लगा के इसको ना लगाया करें, टेक लगा देते हैं ना तो फिर जब अचानक से आ जाती है ना बारिश साहिबा, तो फिर यहाँ पे शीट फंसानी मुश्किल हो जाती है। तो इन्हों थोड़ा जहा इंज रखने हैं। मुल्तानी मिट्टी तू भी इधर आई जा, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। अब हम सही है, ओए उते चार्जर नहीं हूँ। ये छोटे 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 बिस्किट्स किसको चाहिए कमेंट करके बताएं। मैं सोच रही हूँ, हाँ मेरी प्योर बट देखे कितनी ड्राई है, फिर मैं ये कहने लगी, फिर मैंने सोचा यार मैं वीडियो तो बनाती ना, तो उसमें बेचारी ने वैसे ड्राई ही होना है। जब वीडियो ना बनाओ तो फिर उसका यही हाल होना है। क्यों भाई क्या करें, मेरा ग्रेडर की वीडियो रिकॉर्ड करने को इतना दिल था कि मैंने फिर नाइट शूट ही उसका किया। मैंने कहा कि नहीं यार नाइट शूट करते हैं, मैं करने को ग्रीटी टेक्सचर्स की और भी क्रम्बलिंग कर सकती, फिर मेरा दिल चाह रहा था कि नाइट शूट करने को। ये भी ना हार्ड हुआ पड़ा है, एक्चुअली में ये भी डर्ट का ही टेक्सचर है, जो कि अभी ड्राई नहीं है, हाथ अच्छे बच जाते हैं। ये पानी इसमें इतना ज़्यादा है जो कि मैं इतनी दफ़ा निकाल चुकी हूँ, अभी भी नहीं निकल रहा। से निकाल ठीक है, अब ठीक है। बाकी जनाब बादल आते जाते जा रहे हैं। हाँ जनाब, इसकी तो हमने क्रम्बलिंग की ही नहीं है, इस टेक्सचर की थोड़ी सी, इस टेक्सचर की भी क्रम्बलिंग कर जाते हैं माड़ी, फिर इसके ऊपर ही करते जाते हैं। ये ना हमारी रेड डॉट का टेक्सचर है, इसको पड़े कर दूँ तो माड़ी लाइन बना देती हूँ, इसको पीछे करके ना। टेक्सचर जब मिक्स होते हैं ना तो फिर कलर इनके ख़राब हो जाते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा प्योर टेक्सचर हैं ना, मैं उनको फिर एक तरफ ही रहने देती हूँ, जो नॉर्मल टेक्सचर्स हैं जैसे ये भट्टे वाली की कलर चेंज ही रहता है, तो फिर इसको एक तरफ।
ये वेट है थोड़ा सा, इसकी भी कर लेते हैं। ठीक है जनाब। और अगर हम कहें कि ये टेक्सचर नहीं करना तो गलत बात है, ये भी करके जाते हैं। बस ये चार गनीमत से बचे थे जो कि क्रम्बल नहीं हो पाए। मैंने कुछ जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग में क्रम्बलिंग कर दी थी और कुछ इसमें, तो इस वजह से इसको भी ना बाउंड्री बनाते हैं ताकि टेक्सचर पीछे ना जाए, बीच का आड़ी रहे। बस ये वाला जो चंक है ना, ये स्टोनी रेड रेड का था, ये ग्रीटी रेड रेड है, लेकिन मैंने अब दोनों को मिक्स कर दिया तो इट्स मीन कि अब हम कहेंगे कि स्टोनी रेड रेड, ग्रीटी स्टोनी रेड रेड, ग्रीटी भी और स्टोनी, ठीक हो गया। बाकी हमारा रेड रेड, वाओ क्या कलर है यार, मैरून कलर हो, होय 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 होय, बॉम्ब कलर है। दिल कर रहा है क्रम्बलिंग करने को इसकी, लेकिन इसकी नहीं, अब इस वाले की कर लेते हैं। ब्यूटीफुल, मुझे ना जब इतनी प्यारी शेप्स बनी हो ना, फिर उसकी उधर गंद मारने को दिल नहीं करता। तो इस बॉल्स को इधर रख देते हैं, बाद में अगर आएंगे ना तो फिर यहाँ से टेक्सचर उठा के क्रम्बलिंग कर देंगे। तो जनाब कर दी है व्लॉग मैंने इतनी सारी क्रम्बलिंग, इसकी भी करते हैं। ये हमारा चारकोल है जिसको हम उधर जा के करते हैं, जा उसको जा लेने दे। ये भी चारकोल के हैं और ये दो, ये भी चारकोल के हैं, ये देख रहे हैं ना, ये ना बाय मिस्टेक यहाँ पे रखे गए हैं। ये हमारा है जी जनाब लिक्विड, जो कि वाइट कंक्रीट टेक्सचर से निकला है और ये ग्रे कंक्रीट लग रहा है, और ग्रे लिक्विड लग रहा है, जो कि गलत बात है। पता क्या, उसमें बहुत ज़्यादा गंद ऐड हो गया था। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर क्रम्बल कर दिया, हम इसकी भी क्रम्बलिंग कर लेते हैं ताकि आप लोग देख सकें। बस क्रम्बलिंग ही क्रम्बलिंग, जितने भी व्लॉग्स पार्ट आए, जो भी आए, आप लोगों ने मस्ट वॉच करना है, देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और इन्जॉय करना है। फिर बन जाएंगे। ये ग्रीटी था और वो प्योर एशीज वाला था जो पहले मैंने बोल क्रम्बल किया है। ऐसा कलर बनाना है, ऐसा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर लेंगे थोड़ी सी प्योर सैंड की क्रम्बलिंग, प्योर सैंड के ऊपर। भाई मैं आगे जो है ना रंग बिरंगे टेक्सचर क्रम्बल कर कर के तो मेरे टेक्सचर्स ख़राब कर दिए। अब इसकी बताइएगा आपको वाटर क्रम्बलिंग चाहिए या फिर ड्राई, क्योंकि मैंने तो सोचा है वाटर क्रम्बलिंग करूँ, बट आप लोग दसना विच यू वॉन्ट। चल कोई नहीं, करते हैं व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, भूख बहुत तेज़ लग गई है। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फेम अल्लाह।